अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टूडेंट ट्यूब। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एक्सरसाइज है 4.9, क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द वैल्यू ऑफ। ठीक है, अब इसका जो फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का वो है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब व्हेन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस फाइव एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब ये वाला सवाल पिछले वाले से डिफरेंट है, तो चलें फिर इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमने क्या करना होगा, वही जो एक फार्मूला है हमारा वो आपको मेन याद होना चाहिए क्यूब वाला, बट उससे पहले हमने यहाँ पर टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड करना है, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ पर x प्लस वाई का क्यूब इज इक्वल टू माइनस फाइव का क्यूब, तो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा एज वी नो दैट a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ठीक है, अब हम इसे x में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा x का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y फिर प्लस 3xy स्क्वायर प्लस b है तो y क्यूब इज इक्वल टू 5 को हमने 3 टाइम्स करना है तो ये हो जाएगा 125। माइनस का रहेगा क्योंकि ऊपर 3 है और 3 एक ऑड नंबर है, अगर इवन नंबर होता तो माइनस का साइन हट जाता। ओके, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर एक्स क्यूब, अब हम यहाँ पर 3xy को कॉमन लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दो 3 हैं, दो एक्स वाई हैं। ठीक है, यहाँ पर एक्स वाई को जब हम यहाँ पर कॉमन लेंगे तो फिर ये क्या होगा, अंदर क्या रह जाएगा एक्स, बाकी एक एक्स और बाकी एक वाई अंदर आ गया, फिर प्लस वाई क्यूब इसी तरह रहा और माइनस वन 125 इसी तरह। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को करीब ले आएंगे, प्लस 3 है एक्स वाई की जगह, एक्स वाई की वैल्यू यानी कि 8 आ जाएगी और फिर x प्लस वाई की जगह माइनस फाइव की वैल्यू आ जाएगी और माइनस 125 इसी तरह से रहेगा। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसके बाद यहाँ पर प्लस आ गया। अब 3, 8 और माइनस फाइव इन तीनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 को जब हम 8 से करते हैं तो 24 हो जाता है और 24 को जब हम 5 से करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो होगा माइनस का 120, क्योंकि 5 के साथ माइनस है। माइनस 120 इज इक्वल टू माइनस 125। अब यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 125, माइनस का पहले से मौजूद है, अब यहाँ पर माइनस का 120 जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 120, तो ये क्या रह जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू, ये माइनस का है ये प्लस का है, यानी कि वैल्यू जो भी आएगी वो माइनस में आएगी क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, तो वैल्यू क्या आएगी जब 125 में से 120 जाएंगे तो क्या रह जाएगा 5 आंसर। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन, उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे समझ आ गया होगा। मज़ीद क्वेश्चंस के लिए मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, साथ ही अपने क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स से शेयर भी ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।